मनुवादी बोले, शूद्र हो मुद्रा करो, भागवत कथा नहीं। जाति सूचक बातें कही और अपमान भरे शब्द भी और कहे उन्होंने। गैर ब्राह्मण कथावाचक को जातिवादियों ने दी खुली धमकी कि स्त्री जाति को अधिकार नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा आप शूद्र हैं और शूद्र होने के कारण भी आपको अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक गैर ब्राह्मण महिला भागवत कथा वाचिका को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। कथा वाचिका यामिनी साहू को फोन पर धमकी देने वाले कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो, महिला हो, व्यास मंच पर बैठकर भागवत कथा नहीं पढ़ सकती। एक गैर ब्राह्मण को व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। जाकर मुजरा करो, नहीं मानने पर तुम्हें मंच से आकर उतार देंगे। सुनिए अंबेडकर नामा से बातचीत में यामिनी साहू ने इस बारे में क्या कहा। मामला यह है कि 15 तारीख को कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने अपना, मैं उन लोगों को नहीं जानती थी कि वो कौन है, उन्होंने अपना नाम खुद बताया और उन्होंने मुझे कहा कि आप भागवत के अधिकारी नहीं है और नहीं कर सकती हैं। एक बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि स्त्री जाति को अधिकार नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा आप शूद्र हैं और शूद्र होने के कारण भी आपको अधिकार नहीं है और आपको ये हम करने नहीं देंगे। इस तरह से सभी लोगों ने कही, जाति सूचक बातें कही और अपमान भरे शब्द भी और कहे उन्होंने। यामिनी साहू ने एसपी को दिए शिकायत पत्र में कहा कि वो महासमुंद जिले की बाघहारा की रहने वाली है और गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है। वो पिछले करीब 10 साल से कथा कराती आ रही है। क्योंकि चूंकि हम गायत्री परिवार से जुड़े रहे और आपको भी ये जानकारी है कि गायत्री परिवार के द्वारा जो है सभी को गायत्री दीक्षा के रूप में दी जाती है और सभी वर्ग के लोग जो है पूजन हवन और हर प्रकार के कर्मकांड और संस्कार को जो संपन्न कराते हैं और जनेऊ धारण भी करते हैं, तो हम उससे जुड़े रहे। फिलहाल जिले के सीरगढ़ी गांव में 20 से 27 मार्च तक भागवत कथा हो रही है, लेकिन उन्हें अनजान नंबरों से फोन आ रहे हैं। वे गैर ब्राह्मण हैं और उन्हें इसी बात को लेकर धमकियां मिल रही हैं। अचानक उनका फोन आया तो ट्रू कॉलर से कुछ नाम आए और कुछ जो ऑडियो क्लिप है जो रिकॉर्डिंग मैंने की, मैंने पहले बताया कि अचानक फोन आए, मैं तैयार नहीं थी, समझ में नहीं आया। उसके बाद 4-5 फोन आए तो कुछ लोगों से चर्चा की इस तरह के फोन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग कर लो, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की हुई है तो उसमें उन्होंने अपने नाम बताए हैं, है ना। उन्होंने अपना नाम स्वयं कहा है, एक ने कहा है कि मैं देवेंद्र उपाध्याय हूँ, एक ने कहा कि मैं शुक्ला बोल रहा हूँ, रुपेश दुबे बोल रहा हूँ, और कुछ का नाम ट्रू कॉलर में दिखाया मुझे। वो ट्रू कॉलर में कभी कभी सही गलत वो जांच में पता चल जाएगा, तो उसकी सत्यता के बारे में नहीं कहती ट्रू कॉलर का मैं, पर कुछ नाम आए कि शारदा जी लिखा हुआ था, पंडित जी लिखा हुआ था, ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो उस आधार पर जो है वो फोन कॉल आए हैं और फोन कॉल के मैं खुद नाम बताए हैं और बाकी मैं किसी से परिचित नहीं हूँ, ना मैंने कभी उनका नाम सुना था, ना मैं उनसे कभी मिली हूँ, ना मैं उनको जानती हूँ। जिनके फोन कॉल आए मेरा उससे कभी कोई नाता नहीं रहा। अपनी शिकायत में यामिनी साहू ने बताया कि फोन पर धमकी देने वाले कह रहे हैं कि वो एक गैर ब्राह्मण है और उसे व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका तर्क था कि उन्होंने कुछ श्लोक बताए सतपथ ब्राह्मण का, उन्होंने जो है यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में जो श्लोक है उस श्लोक के आधार पर उन्होंने कहा कि स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह श्रुणोति दुरात्मना किम तेन कृतम वही पापम ब्रह्मा गुरु तल्पगह। इसमें इसका अर्थ ये बताया उन्होंने कि स्त्री मुख से प्रवचन सुनना, भागवत सुनना जो है उससे बहुत बड़ा अपराध पाप लगता है और ऐसे शब्द जो मैं आपको यहाँ पर बोलना उचित नहीं मानती, ऐसे पाप का उन्होंने उसमें कहा, बात कही, वर्णन किया और उसी आधार पर कह रहे हैं। तो ये उनका अपना तर्क है और हमारा अपना, हम मानव हैं और मानवों के लिए सब अधिकार हमारे संविधान में, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए संविधान बना हुआ है और सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो वो अधिकार हमें भी मिलना चाहिए।
जो दलित पिछड़े आदिवासी खुद को हिंदू कहते हुए नहीं थकते, उनके लोग जब कथा बांचने लगते हैं तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसका अंदाजा यामिनी साहू के मामले से लगाया जा सकता है। और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पिछड़ी जाति के हैं। पहली बार एहसास हुआ जब हमें अब शूद्र कहा जा रहा है, इससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि हम पिछड़ी जाति के हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र और महिलाओं के लिए कई तरह की विवादित बातें लिखी हुई हैं और उनके धार्मिक अनुष्ठान करने पर भी रोक लगी हुई है। इन्हीं धर्म संहिताओं का हवाला देकर मनुवादी लोग यामिनी साहू को कथा कहने से रोकना चाहते हैं। खासकर ब्राह्मण वर्ग का धार्मिक मामलों में जो एकाधिकार है, उसे यामिनी साहू जैसे लोग कैसे चुनौती दे सकते हैं। FIR दर्ज मैंने अपने जो जिस गांव में कथा हो रही है उसके अंतर्गत में जो थाना है खल्लारी, वहां पर मैंने शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा की मांग की मैंने, क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ा सा। और उसके बाद जो है फिर एक फिर ऐसा शिकायत दर्ज कराने के बाद जो है फिर फोन आने लगे थे, तो फिर उसके बाद मैंने SP कार्यालय में फिर अपराध दर्ज कराया है और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने यामिनी साहू को सुरक्षा मुहैया कराई है, लेकिन इस घटना ने समाज में पसरे जातिवाद को एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहने वालों की सोच दलित पिछड़ों के प्रति कितनी घटिया है, उसकी पोल इस घटना से खुल गई। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।